कांग्रेस और इंडी अलायंस की सरकारें भ्रष्टाचार, व्यभिचार और बलात्कार करने वालों की आका बन चुकी हैं। कांग्रेस जहां जहां जाती है वहां वहां लूट और कंगाली ले आती है। इसका उदाहरण, इसको प्रमाणित करने का काम कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने किया है। कल ही आप लोगों को ध्यान होगा कि हिमाचल प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक दिवालियेपन का इजहार किया है। श्रीमान राहुल गांधी कहा करते थे कि लोगों के खाते में खटाखट पैसे आएंगे। खटाखट पैसे तो नहीं आए, फटाफट जो है दिवाला जरूर पिट गया। इतना निश्चित है जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कल सबके सामने आया है कि 9 जो हमारे देश के पहाड़ी राज्य हैं, उन 9 पहाड़ी राज्यों में सबसे अधिक आर्थिक बदहाली की स्थिति में हिमाचल प्रदेश है और कर्ज में इस समय दूसरे पर कैपिटा डेट में प्रति व्यक्ति कर्ज में हिमाचल प्रदेश इस समय देश का दूसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कर्ज वाला राज्य बन चुका है। हिमाचल प्रदेश पर इस समय 87,000 करोड़ रुपयों का कर्ज है और अगले वित्त वर्ष से पहले ही यह कर्ज का आंकड़ा 1,00,000 करोड़ की सीमा को पार कर जाएगा। हिमाचल प्रदेश का सालाना बजट 58,444 करोड़ रुपयों का है और उसमें सिर्फ वेतन, पेंशन और पुराना कर चुकाने में प्रतिवर्ष 42,079 करोड़ रुपए चले जा रहे हैं। और आपको याद होगा इसी हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करके चुनाव जीता गया था। आज दिन तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों के लिए और जो राज्य चाहे उनके लिए यूपीएस स्कीम लागू कर दी है, लेकिन ये ओपीएस लागू करने का साहस किए बिना ही आज उनका दिवाला पिट चुका है। यही दशा कर्नाटक में भी हुई है। कर्नाटक का भी वहां परिवहन कर्मचारियों का वेतन उनके खातों में न जाने के कारण परिवहन के कर्मचारियों को हड़ताल तक करना पड़ा और कर्नाटक में उन्होंने बीते दिनों दूध का भाव बढ़ाया, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाया, यहां तक कि पानी का भाव बढ़ा दिया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल कर्नाटक की सिद्धारमैया की सरकार ने प्रीमियम शराब का भाव नीचे कर दिया। आपको याद होगा फ्रांस की क्रांति के दौरान एंटोनियो ने कहा था कि अगर आपको ब्रेड नहीं मिलता तो आप केक खाइए। क्या कांग्रेस की सरकार यह संदेश देना चाह रही है कि आप अगर महंगा पानी ना पी पाए तो हम शराब सस्ती कर दे रहे हैं, शराब पिए? एक फ्रांस की एंटोनियो थी और एक कांग्रेस की सरकार है। अब उनकी कांग्रेस की सरकार की राजमाता का मैं नाम ले लूंगा मूल वाला तो कांग्रेस के तमाम नेता बहुत चिढ़ जाएंगे। उनकी ये दशा है और ये लूट की सरकार जो है किस तरह की हरकतें करती है आप सबने जो है कर्नाटक में देखा ही है कि सिद्धारमैया मुदा उनका पूरा परिवार मुदा के जमीन घोटाले के मामले में आरोपों के घेरे में है। अब जो है उस पर भी उनको शांति नहीं मिली। उनके उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पहले से ही घोटालों के मामले में उनका जो है जांच से अभियोजन तक पहुंच गए हैं। अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार ने किस तरह से सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के नाम पर जमीन घोटाला किया है ये सबके सामने है। हमारी मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरह से श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक की सरकार में उनके मंत्री पुत्र
प्रियांक खड़गे ने जिस तरह का जमीन घोटाला किया है, उस जमीन घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरह से सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट, और इस सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट में लोग कौन है, इसमें जो है उनकी अपनी पत्नी, अपने उनके मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा उनकी पत्नी राधाबाई खड़गे, उनके दामाद और गुलबर्गा के सांसद राधाकृष्ण डोड्डामणि, उनके बेटे और कर्नाटक सरकार मंत्री प्रियांक खड़गे और दूसरे बेटे राहुल खड़गे हैं। और जो लोगों के सामने मामला आया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एरोस्पेस पार्क की इस जमीन को लेने के लिए 71 समूह प्रतीक्षा में थे, लेकिन सिंगल विंडो सिफारिश करके ये 5 एकड़ की का भूखंड मल्लिकार्जुन खड़गे को श्रीखंड समझ के परोस दिया गया। कांग्रेस की सरकार ने, सिद्धारमैया ने अपना खुद घोटाला किया, तो कहा आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अगर एक घोटाले का लाभार्थी नहीं बनाया गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये जमीन दे दी। कर्नाटक की सरकार में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव मेजर मणिवन्नन पी ने कर्नाटक की सरकार को पत्र लिखकर सरकार के ही सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट विभाग के लिए इस भूखंड की मांग की थी। उससे अधिक पात्रता और किसी की हो ही नहीं सकती थी। सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण की बजाय जो है ये परिवार कल्याण का कार्य प्रारंभ कर लिया गया। और ई ऑक्शन बिना किए, अगर इसका ई ऑक्शन किया जाता तो कर्नाटक की सरकार को 15 से 20 करोड़ रुपयों की राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित थी, लेकिन ये उन्होंने नहीं होने दिया। और क्या ये परिवार जो है कर्नाटक के लोगों को जो है वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लुटाने के लिए उनके पास 15-20 करोड़ रुपयों की खैरात है। तो ये साफ बताता है कि लूट और कंगाली, जहां जहां कांग्रेसी जाते हैं लूट और कंगाली लेकर आते हैं। और कल एक और घटना हुई है कर्नाटक में। कर्नाटक की सरकार ने श्री हनुमान की जन्मस्थली माने जाने वाले कर्नाटक के गंगावती नगर में वहां के लैंप पोस्ट पर श्री हनुमान जी और श्री राम जी के अंकित चित्रों को हटाने का निर्देश दे दिया। भाई आपको राम से, हनुमान से, गदा से और धनुष बाण से इतनी ज्यादा जो है नफरत क्यों है? मोहब्बत के दुकानदारों को हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों से नफरत क्यों है? आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो आपसे स्वाभाविक तौर पर सवाल पैदा होगा कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इस देश को संविधान की जो प्रति समर्पित की थी, उस संविधान की प्रति के प्रथम पृष्ठ पर वहां जो है श्री राम दरबार की भव्य चित्र प्रकाशित किया गया था, तो श्री राम दरबार को भी क्या डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर और समग्र संविधान सभा, जिसमें राहुल गांधी के पूर्वज जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल थे, क्या वो सब सांप्रदायिक थे? आप जो हैं हज हाउस बनाएंगे तो वो सेक्युलरिज्म की मीनार है, लेकिन कहीं राम मंदिर बन जाए, कहीं राम जी की का चित्र लग जाए, कहीं हनुमान जी की गदा और राम जी का धनुष लग जाए, तो एसडीपीआई के एक मांग करते ही ये घुटने टेक देते हैं। ये अत्यंत दुखद है। इसी तरह की एक और मामला तेलंगाना में, जिस तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्रीमान रेवंत रेड्डी को कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, जिस तरह से कांग्रेस की सरकारें, कांग्रेस के श्रीमान राहुल गांधी और उनके नेता संविधान की प्रति तो लहराते हैं लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आदर उनमें बिल्कुल नहीं है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निरादर करते हुए श्रीमान रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के एक अभियुक्त के जमानत के फैसले के का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत इसलिए मिली क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस का समझौता हो गया। तो आप जो हैं संसद को अपमानित करें, कलंकित करें, आप निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के प्रति जो है
अपमानास्पद बातें करें, और अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी इस तरह की टिप्पणियां कांग्रेस कर रही है जो अत्यंत निंदनीय है। विदेशों की भूमि पर जाकर राहुल गांधी भारत के संवैधानिक संस्थानों जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है इनके खिलाफ पहले भी टिप्पणियां कर चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणियां झूठ बोलकर श्रीमान राहुल गांधी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ऐसे बने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं वो, ये सिद्ध हो चुका है। तो ये हरकत पहले भी इन्होंने की है और तेलंगाना की घटना से एक बार ये फिर से सिद्ध हुआ है। और इसी तरह सुश्री ममता बनर्जी जो कर रही है बंगाल में वो सब आपके सामने है। इंडिया अलायंस की पार्टनर सुश्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल के आम जनों को, छात्रों को जिस तरह से धमकाने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि यह आग जो है वो असम, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट होते हुए दिल्ली तक चली जाएगी, और जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनको धमकाया गया कि आपका पासपोर्ट और वीजा नहीं बनेगा, एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री की इस भाषा पर जिस तरह की चुप्पी संविधान लहराने वाले राहुल गांधी साधे हुए हैं, जिस तरह से उन ममता बनर्जी को अखिलेश यादव समर्थन देते हैं, जिस तरह से ऐसी अराजकता की धमकी देने वाली मुख्यमंत्री के समर्थन में तेजस्वी यादव खड़े होते हैं, इससे इंडी अलायंस इस देश में किस तरह से आग लगाने का इरादा रखता है। याद रहे, श्रीमान राहुल गांधी पहले ही इस देश में आग लगाने की धमकी दे चुके हैं। चुनाव के समय परिणाम आने के पहले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी इस देश में आग लगाने की धमकी दे चुके हैं। तो ये इंडी अलायंस के नेता भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, व्यभिचारियों को बचाने के लिए, बलात्कारियों को बचाने के लिए इस देश को बारंबार आग के हवाले करने की जो बात कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर यह दिखा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग इनके भीतर जो है बहुत भली भांति प्रवेश कर चुका है, इसलिए जो है वो इस तरह की बातें बार बार कर रहे हैं। हमारी ऐसी स्थिति में मांग है, एक, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे के विरुद्ध सीबीआई की जांच होनी आवश्यक है। सुश्री ममता बनर्जी को जिन बलात्कारियों को बचाने का उन्होंने प्रयास किया है उस मामले में जब तक स्वयं ममता बनर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होता तब तक इस मामले की तह तक पहुंचा नहीं जा सकेगा। कल जो टेप आए हैं, ऑडियो टेप्स, जिसमें बलात्कार पीड़िता के परिजनों को अस्पताल के एक अधिकारी द्वारा किए गए फोन में किस तरह से झूठ बोला गया वो सिद्ध हुआ है, तो निश्चित तौर पर एक अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने यह फोन किसी बड़े अधिकारी के कहने पर किया होगा, किसी सरकार के बड़े रसूखदार व्यक्ति के करने पर किया होगा। और सुश्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वह राज्य की स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और जिस तरह से उन्होंने आनन फानन में उस कॉलेज के प्रिंसिपल को पदोन्नति जैसा कार्य किया अच्छी जगह ट्रांसफर करके, उससे यह आशंका दृढ़ होती है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का काम तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया है, समग्र कांग्रेस पार्टी को इस देश की संवैधानिक संस्थाओं से माफी मांगना आवश्यक है। मित्रों, मैंने अपनी बात रखी, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है। प्रश्न अगर किसी के मन में है तो एक एक करके। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री के बिना जाने आरजी कार के प्रिंसिपल को इतने घिनौने अपराध के बाद क्या प्रमोशन जैसा ट्रांसफर दिया जा सकता है?
अगर ये ममता बनर्जी का निर्देश नहीं था तो किसका निर्देश था? यह तभी इसकी पड़ताल हो पाएगी जब उस विभाग के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति जो सुश्री ममता बनर्जी हैं का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो। श्रीमान राहुल गांधी से जब सवाल पूछा जाता है तो कहते डिस्ट्रैक्शन मत करो। अखिलेश यादव उनके समर्थन में बयान देते हैं, तेजस्वी यादव का बयान आपने देखा ही, आज तक आपने उद्धव ठाकरे का कोई बयान सुना है क्या ममता बनर्जी के विरोध में? यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र विंग ने भी जिस तरह से छात्रों के प्रदर्शन से स्वयं को अलग कर लिया, तो क्या कारण था? क्योंकि केरल में भी सीपीएम का एक एमएलए जो है उस सेक्स स्कैंडल में उस पर एफआईआर कल हुआ है। तो ये व्यभिचार, भ्रष्टाचार और बलात्कार का जो है एक त्रिवेणी इन्होंने बना ली है। ये भी इनका उनका अपनी तरफ से जो है अपने ऊपर से मामले का को हटाने का प्रयास है। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश जो बंगाल सरकार को भेजा गया था उसमें से लगभग 148 या मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं याद है कोर्ट बनाने को कहा गया, तो सिर्फ 6 बने वहां बंगाल में। और भारतीय न्याय संहिता में बलात्कारी और हत्यारे के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अधिकार जो है सुश्री ममता बनर्जी के पास, चूंकि इस तरह के जो ट्रायल हैं वो सेशन कोर्ट के दर्जे के कोर्ट में चलते हैं, तो ये अधिकार तो सुश्री ममता बनर्जी के पास है, तो इन अधिकारों पर का वो पालन क्यों नहीं करती? और ममता बनर्जी कृपा करके बता दें कि उनके कार्यकाल में बलात्कारियों को मृत्युदंड की सजा उनके राज्य के अभियोजन ने कितने मामलों मांगी है? अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, पूरे देश में हिंसा की धमकी तो दे रहे हैं हम लोग, और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भारत के टुकड़ों की कल्पना तो लंबे समय से कर रहे हैं और टुकड़े टुकड़े वालों को समर्थन भी देते रहे हैं, जिहादियों के समर्थन में खुलकर उतरते रहे हैं। अब अराजकता और आतंक का जिस तरह का वो समर्थन कर रही है और ऐलान कर रही है वो निश्चित तौर पर उनके इरादे को का संकेत दे रहा है। मुसलमानों को मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता, ये तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में इसका संविधान सभा के सदस्यों ने ही प्रावधान कर रखा है। अब जो है श्रीमान शरद पवार को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अपमान की इतनी जल्दी क्यों है, ये समझ से परे है। दूसरी बात, शरद पवार ये कैसे जानते हैं कि किसने भाजपा को वोट दिया किसने नहीं दिया? साफ तौर पर जो है अल्पसंख्यकों के को जो है जिस तरह से अलग करने का उनका प्रयास है, ये उनकी बांटो वाली राजनीति का हिस्सा है। हो गया भाई साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।